हाँ तो भाई, राम राम सारा ने। मैं आ गया फाचा नया ब्लॉग के साथ है। और अब हम रवाना हो गए हैं कॉलेज वास्ते। और अभी हमारा तीसरा पार्टनर भी आ गया है घर से। ये घर गया था राखी बंधवाने, और हमने इधर ही मना ली थी राखी। तो अभी हम कॉलेज जा रहे हैं। आज थोड़े जल्दी निकले रूम से, क्योंकि कल भी हमें एक क्लास का नुकसान हो गया। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमें आज और नुकसान हो, इसलिए हम थोड़े जल्दी निकल चुके हैं। तो अभी जा रहे हैं कॉलेज के लिए, तो चलते हैं। तो गाइस, आज फिर से हमें ये दिखा है, और ये अभी नहीं दिखा रहा है, आज खा रहा है। ये अभी कुछ खा रहा है। हेलो, यही रहता है, ये यही रहता है इस बाग के अंदर। देखिए, ये इधर यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह का पेड़ वगैरह है। तो अभी हमारे एक पार्टनर आगे भाग के मनीष के पास चले गए। उनको लगा वो फ्रेम में आएंगे तो अच्छे लगेंगे, पर आप बहुत बुरे लग रहे हो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया आप। आपकी शक्ल ही नहीं दिखती, क्योंकि इधर से लाइट आ रही है, अब दिख रही है। हाँ मनसा, तो आज का जो सवाल है वो ये है कि आप में से ही कोई सवाल पूछेगा, क्योंकि वो कभी ऐसे होता ना कि भाई, मतलब मेरे को भी तो पैसे जीतने का मौका मिलना चाहिए। हाँ भले ही पैसे मेरे हो, पर जीतने का मौका तो मिलना चाहिए ना। अभी हमने डिस्कस किया है कि आज का जो क्वेश्चन है बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि मतलब अपने चैनल का नाम ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को नाम ही पता नहीं है। तो अभी कॉलेज चलेंगे और पूछेंगे लोगों कि भैया क्या सिनेमन जी, हमारे चैनल का नाम क्या है। तो अभी चलते हैं कॉलेज। तो अभी हम आ गए कॉलेज, अब जा रहे हैं क्लास में। रमेश भैया मिले हमको सबसे पहले, बोले सा आ गए काफी दिनों से देख मिला। नाम क्या अपने चैनल का? आगे इंग्लिश में आज का यही क्वेश्चन है, चैनल का नाम बताओ, पैसे जीतो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। सूरज बाल, आज का क्वेश्चन ये है कि अपने चैनल का नाम क्या है? बस हवा निकल गई, घर जाओ आप। आज का क्वेश्चन ये है कि अपने चैनल का नाम क्या है? ऑप्शन इस चीज में ऑप्शन नहीं है। नहीं ऐसे तो नहीं होता है। आप बताइए कि अपने चैनल का नाम क्या है? क्यों हिला डाला ना? देखो ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, पर अपने चैनल का नाम तक नहीं पता। बताओ, आपको तो पता है, हमें पता है, इसीलिए आप हम मैं तो इसको प्रमोट कर रहा हूँ चैनल को। इसीलिए तो हम है ना आपसे पूछ नहीं रहे हैं। हाँ तो आप बताओ अपने चैनल का नाम क्या है? चैनल का सुनील पाटी। अरे कहना क्या चाहते हो? किसी को नहीं पता है नाम। हाँ तो भाई, हम लोग जा रहे हैं फील्ड विजिट के लिए राकेश जी में। राकेश सर आगे चल, हम पीछे चल रहे हैं। हम पीछे चल रहे हैं, आज फील्ड वर्क करने जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ही फाड़ू होने वाला है गाइस, क्योंकि अभी हम जाएंगे फील्ड पे, फिर उसके बाद वापस आएंगे। ये देखिए, ये हमारी क्लास आधे लड़के आए हैं। हाँ भाई रमन, बताइए अपने चैनल का नाम क्या है? चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की? नहीं आता ना। अरे भाई, मेरे को पता है यार, तुम लोग है ना ऐसे सपोर्ट करते हो फोगट का। ये नहीं कि भाई चैनल का नाम याद रखे, हर वीडियो पे कितने लाइक है वो याद रखे, क्योंकि ऐसे कराएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले।
तो अभी प्रैक्टिकल वर्क के लिए फील्ड पे ये हमारी गैंग, आगे चल रहे राकेश सर, पीछे चल रहे हम। आज ये जैसे आप जानते हो ये तो पितृ मसाने घूमने के लिए उपयोग की जाती है। ये है डिस्क प्लाउ, तीन तवे हैं। हां डिस्क प्लाउ इंग्लिश में बोलते हैं। डिस्क प्लाउ कल्टीवेटर, ये कल्टीवेटर, वो रोटावेटर, ये थ्रेसर, ये पुरानी बहुत पुरानी थी। हां थ्रेसर से क्लीन करते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। ये पता है क्या है, पास में आप कल्टीवेटर ये कुतर मशीन है, मारवाड़ी भाषा में मौके डालते हैं जिससे वहाँ से कुतर निकलती है। और अगर ये थवी है तो थोड़ा पीछे जाइए, पीछे कर डिस्क प्लाउ, खरपतवार वगैरह हटाने के लिए और धरती को टहलने के लिए काम में लेते हैं। और ये हमारा कल्टीवेटर है, वो देख लिया हो गया। इसके ये जो कंट्रोलर होता है लिफ्ट के लिए, ये जो साइड ये गेयर बॉक्स होता है, इससे हम स्लो और हाई दोनों टाइप के गैस रहते हैं स्पीड में, ये हैंडल वगैरह है। इसके बाद चलते हैं पीछे हवा, ये होता है पीटी, हाँ सर इसको बोलते हैं पीटी। ये क्या करता है, जैसे टायर घूमता है वैसे ही घूमता है, उसका गैर उधर लगा रहता है। अगर आपको रोटावेटर चलाना है, थ्रेसर चलाना है, जिसको घुमाने का काम करता है तो ये करता है। इसमें भी सेम पावर ही रहता है, जितना उधर रहता है थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, 40 वोल्ट पावर का है तो इसमें 80 वोल्ट पावर का पावर है। ये टंकी है जो बंद, ये टंकी भी दिखाओ, दर्शकों दिखाओ, ये इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। जुम करो जुम करो, बताओ डिस्टेंस ज्यादा ही है सर। ऑर्गेनिक मेटल से, ऑर्गेनिक मेटल जनरेट करने का हो, काफी प्रॉफिटेबल है, कुछ नहीं लगता इसमें घूमना हो, साथ साथ घूम लो, खुद भी रेट भी कम लगेगी। देखो इसकी बेल लगी हुई है तरबूज की, बारिश के तरबूज अच्छे होते हैं खाने के, रोजीना बच्चों वाली बात। बेल लगी हुई, तो भाई यह है मोट, और अभी हम फील्ड के अंदर घुस चुके हैं यहाँ पे कि हाँ मन से खा लो किसी लिए फील्ड में घुसने की। तो अभी चलते हैं सीधा, आपको खेती में काम करता रहा, आपको मारो कोटड़ो कोटड़ो और गोला ही हमने बने ना, आप अकेले हो गए हैं, अकेले रहते हैं हमारे परसों के साथ है, बाद में भाई के साथ चला और हमारा घर में है तो अंदर के हमारे अनको तान पोते हैं बाहर है दो पड़े हैं दो नौकरी चला पोते कृषि में लिए सिखा दिए पूरे पदमपुरा। आज तक वालों का तो पता नहीं, मैं जरूर कर दूंगा। आप लोग ये ले ले।
किसी में खेल लिया ठीक है। काट लूं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। राकेश सर के बर्थडे की स्पेशल पार्टी। कैमरा कहाँ गया? कैमरा ये हमारे सौरभ है और ये सॉरी बोल दीवार में कही है। तो भाई हेलो गाइस, अपन जाके आ गए सर का केक काट के। राकेश जी सर का ये भी जन्मदिन मनाया है। मदिरा की मिठाई हार्दिक स्वागत करते हैं। तो और मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, आपके समक्ष वैसे ही रोते फिर ऐसे ही बनाते रहो, ऐसे ही करते रहो भाई, मजा आता ना फील्ड विजिट करने में। भाई फाइनली कॉलेज से फ्री हो गए हम लोग और अभी जा रहे हैं रूम पे। और आज जैसा आपने देखा हम प्रैक्टिकल करने के लिए गए थे फील्ड विजिट पे, और राकेश सर का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। और ऐसे फील्ड विजिट के वीडियो आते रहेंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहे लंबे समय तक। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। जय कृषि विज्ञान।